कठुआ शहर में आज जहां सर्विस इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी उसी को लेकर आज हमने स्थानीय लोगों से बात की। आज हम इसी दौर को लेकर जहां पहुंचे दुकानदार के पास जो कंप्यूटर ठीक करने का काम करते हैं उन्हीं की दुकान के पास पहुंचे हैं और उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण उनको क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं दुकानदार से और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको कितना नुकसान इस इंटरनेट सेवा के बंद होने से हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लखविंदर। लखविंदर जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से 1:15 के करीब इंटरनेट सेवा बंद हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैं नेट चला रहा था, कोई एंटीवायरस अपडेट कर रहा था, कस्टमर मेरे पास बैठे हुए थे, उनको मैंने पहले बोल दिया सर 15-20 मिनट का काम है, आप अभी कंप्यूटर लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उनका अपडेटिंग पे लगाया और 5 मिनट बाद 1:15 के करीब नेट सेवा बंद हो गई, और फिर मैं देखने लगा क्यों बंद हुई है, फिर एक देश आ गया, उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था कि सरकारी नियम के अनुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट और जिस सेवाएं तभी शुरू करेंगे जब सरकार की अनुमति होगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया किस लिए, रीजन क्या है बंद करने का। और हम इतने छोटे से दुकानदार हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि महीने में 3-4 बार तो ये बंद हो ही जाता है, तो बस यही कहना है कि कम से कम नहीं, अगर जिस तरह से आज इंटरनेट सेवा बंद हुई है तो आप किस कंपनी का डाटा यूज कर रहे हैं? मैं सर जियो का कर रहा हूँ, और एक चीज और भी बोलूंगा मैं, मुझे पर डे 2 GB मिलता है, तो क्या सरकार हमें जो आज का दिन बंद होगा, जो कल क्या 4 GB देगी हमें? जो घाटा है वो हम दुकानदार क्यों सह रहे हैं, आम जनता भी सह रही है, वजह क्या है इसकी? तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को उसको लेकर? मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम नेट सेवा तब बंद की जाए जब, पहली बात तो ये है कि हमें इतना भी बता दी जाए कि वजह क्या हुई है बंद करने की, सिर्फ अचानक बंद कर देते हैं और हमारा काम रुक जाता है, और जो कस्टमर पहले से काम बहुत स्लम चल रहा है मार्केट में और नेट की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं राजकुमार, आपको बता दूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर मैं शहर में निकला हूं वो मुद्दा है इंटरनेट सेवा को प्रभावित करना सरकार की तरफ से, क्योंकि आज 12:45 पर जिस तरीके से नेट बंद किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता में रोष है, क्योंकि बिना किसी कारण बताए ये नेट सर्विस बंद करना भी आजकल जम्मू कश्मीर का एक फैशन बन चुका है। तो आइए, इसी मुद्दे को लेकर मैं बात करने में निकला हूं शहर में, तो मैं एक फार्मेसी में आया हूं जहां पर दवाइयां बेची जाती हैं ग्राहकों को, तो वहां पर बिलिंग भी पे होती है और कंप्यूटर के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं कि नेट बंद होने से उनको क्या फर्क पड़ता है, ये पूछते हैं। मेरे साथ दुकानदार हैं, मेडिसिन के मालिक हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है। जी जी सर, आज का नेट बंद हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये नेट ये बिना कोई सूचना दिए बंद कर देते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत निंदनीय बात है, ये सरकार अपनी कोई भी बंदा जो मांग रखता है उसको जैसे ही वो बोलने लगता है ये उसको दबाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर देती है बिना कोई इंटीमेशन के। पब्लिक को कुछ नहीं बताया जाता कि आपका नेट बंद किया जा रहा है, आपको सर्विस नहीं देंगी, जो आपका नेट वेस्ट जा रहा है वो आपको नेक्स्ट डे भी नहीं देते हैं। ये लोगों को पागल बना रहे हैं, सरकार अपनी बात रखनी है, उन्होंने दूसरे लोगों की बात दबानी है, इसलिए उन्होंने नेट फिर से बंद कर दिया। आपने कहा है कि जो ये मुआवजा है, जो बंद करती है सर्विस डाटा होता है वो आपको नहीं मिलता है, क्या वो दूसरे दिन आपको सर्विस प्रोवाइड होती है? अगर आप नेट बंद कर रहे हो तो आप ड्यूरेशन देख लो, जो लोगों को नेट नहीं मिल रहा है वो तो एटलीस्ट उनको अगले दिन दे दो, आप अगर आपने नेट सर्विस वार्ड करनी है तो एटलीस्ट उनको नुकसान तो मत दो पब्लिक को, और उनको कोई फायदा नहीं दे सकते, नुकसान भी मत करो। जैसे मेरे साथ कठुआ शहर शहीदी चौक में एक दुकानदार है, फार्मेसी दवाइयों की दुकान चलाते हैं, तो ये हालत है सरकार की और हमारे यहाँ की कंपनियों की, जो मिनटों मिनट सरकार के निर्देशानुसार सर्विस को बंद कर देते हैं और नीचे छोटा सा लिख देते हैं कि सरकार के निर्देशानुसार के बाद ही इसको चलाना है, तो क्यों ना आम जनता को ये बताया जाता है कि कारण क्या है इसको बंद करने का। इसको लेकर मैं और लोगों से बात भी करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कहना है उन लोगों का। विनोद, आप देखा जा रहा है कि आपकी दुकान जो मोबाइल की है तो नेट आज बंद हुआ है, उससे आपको क्या फर्क पड़ा है नेट बंद होने से? फर्क ये सर, सिम वगैरह एक्टिवेशन करने में दिक्कत हो रही है, वो सब प्रॉब्लम जो आता है नेट को पता तो है। आपके रोजगार को फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ा है? बस आज का दिहाड़ी गया सर, अगर कल भी नहीं चली तो
कल नहीं चले तो कल दुकान बंद करनी पड़ेगी। मतलब सारा रोजगार इसी पे है। इसी तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, जिस तरह से ऑन द स्पॉट बंद करना, इसके लिए पहले सूचना देना, इसको लेकर मानते हैं कि पहले सरकार को इस बारे में सूचना देनी चाहिए कि हमें नेट बंद करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सूचना तो देनी चाहिए जी, गलत है ये काफी ज्यादा जी। देखा जाता है कि जिस तरह से आज दुकान नेट बंद हुआ है, तो कल जो आज का डाटा होगा वो आपको कल मिलेगा क्या? डाटा तो नहीं मिलेगा, जियो वगैरह का तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चलो एयरटेल का मिल जाता है, पोस्टपेड में या प्रीपेड दोनों में मिलता है जी। जी बाकी यही है कि आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है सर नेट का डाटा ऑफ होने से। तो क्या मांग करते हैं कि जिस तरह से नेट का डाटा जो एक दिन का जो खत्म हो जाता है बिना लिए बिना यूज किए, तो मुआवजे की मांग करेंगे क्या आप? चलो नेट का मुआवजा तो चलो नहीं सर, दुकान का किराया है 300-400 रोज का, वो वेस्ट होता है, फिर अपनी दिहाड़ी है, दो लेबर रखी हुई है आगे उनकी दिहाड़ी, सब मिला के मतलब टोटली नुकसान तो है ही 1500 का दिन का, 1500 का नुकसान तो है ही है नेट बंद होने का। बाकी कस्टमर भी अपनी जगह घूमता रहता है बेचारा इधर उधर, वो भी परेशान। ये थे मेरे साथ मोबाइल की छोटी सी दुकान चलाने वाले रोजगार, जिनका इसी पर बैठा हुआ है, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर असर पड़ता है, 1500 रुपए रोज का कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की सर्विस जब बंद करती है तो उसको पहले इंटीमेशन देना चाहिए, ताकि आम आदमी अपने आप को स्केल कर सके, दुकानदार इस बात को पक्का कर सके कि आज नेट नहीं चलेगा। तो अगर दो दिन बंद रहता है तो दो दिन काम का रोजगार आप हिसाब लगा लेंगे कि हर व्यक्ति का कितना जाता है, तो दूसरा मुआवजा नहीं मिलता, जो नेट का डाटा जो यूज होता है वो किसी भी खाते में नहीं जाता, जिसे कंपनियां काफी इसे फायदा कंपनी को फायदा पहुंचता है। तो मैं इसी को बात को लेकर और भी लोगों से बात करूंगा। मैं राजकुमार कैमरामैन संघ प्रवास के साथ कठुआ।